चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार की सुबह एसएन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में दिन दहाड़े चोरों ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आरती अग्रवाल का ऑफिस में रखे उनके बैग पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें जरूरी कागजात और नकदी रखी हुई थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चोर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज में अभी तक चोर मरीजों को ही चूना लगा रहे थे, लेकिन अब वे विभाग में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार की सुबह माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आरती अग्रवाल का ऑफिस में रखे बैग पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसमें जरूरी कागजात, गाड़ी की चाबी सहित कुछ नकदी भी रखी हुई थी। इस चोरी से विभाग में हड़कंप मच गया है। सीसीटीवी कैमरे में देखने पर पता चलता है कि 20 से 25 सेकंड चोर विभाग में घूमता रहा और जैसे ही मौका लगा वह असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आरती अग्रवाल का बैग लेकर फोन पर बात करता हुआ निकल गया। यह सारी घटना डिपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच पड़ताल कर चोर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आरती अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को तहरीर दे दी गई है। आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है, देखना होगा कि पुलिस हमारी तहरीर पर क्या कार्यवाही करती है। आज मैंने अपने चैम्बर में अपना पर्स रख के लगभग 10:30-11 बजे मैं निकली हूँ अपना पर्स टेबल पे ही रख के, और मेरे साथ दूसरी भी फैकल्टी थी डॉक्टर पारुल गर्ग, उन्होंने भी अपना पर्स रखा था, उनका भी बैग था। और हम लोग निकल के 10:45 बजे अपने एचओडी डॉक्टर अंकुर गोयल के चैम्बर में गए हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस होने वाली है माइक्रो की, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने मीटिंग, हम एक मीटिंग कर रहे थे। तो मीटिंग हमारी 10:45 बजे से लगभग 11:30 तक चली है, और उसके बीच, उसके जस्ट बाद हम जैसे ही आए हैं 11:45 तक, तो देखा है कि यहाँ से पर्स गायब है। तो फिर हमने सब उनको कॉल किया है, देखा है, बस हमारी मीटिंग समझिए 45 मिनट की मीटिंग थी, आधे घंटे की। मैडम, कुछ सीसीटीवी वगैरह में फुटेज आए हैं इस तरीके के उसके कुछ? हाँ, सीसीटीवी में सब कुछ आ गया है, उसका फेस भी आ गया, डिटेक्ट हो गया है। 11:10 पे उसने, 11:00 के लगभग उसने यहाँ से घुस के पर्स निकाला है, सब कुछ क्लियर। कितने मिनट कैंपस में रहा होगा आपके चैम्बर के आसपास, ऐसा कुछ? वो 20-30 सेकंड यहीं आसपास टहलता रहा है, और स्टाफ से वो पूछ रहा था कि कहाँ है डॉक्टर, मतलब आरती मैम कहाँ है, लेकिन मैम इससे पहले उसको व्यक्ति को देखा है आपने कभी? नहीं, मैंने उसको नहीं देखा इससे पहले, तो मैंने कभी नहीं देखा। एसएन मेडिकल कॉलेज में चोरी की घटनाएं होती रही हैं, हमेशा मरीज और उनके तीमारदारों को शिकार बनाया है, लेकिन अब उनकी हिम्मत विभाग में घुसकर डॉक्टरों की चैम्बरों से पर्स और सामान चोरी करने की पड़ गई है, जबकि सीसीटीवी कैमरे विभाग में लगे हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चोर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। अभी तक की पूरी घटना चक्र में पुलिस की भी लापरवाही सामने आ रही है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद पुलिस की गश्त तक नहीं होती है। अगर पुलिस चौकन्नी होती तो चोरों की हिम्मत इस प्रकार की नहीं होती कि वह विभाग में घुसकर किसी डॉक्टर का बैग पार कर दें।